दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक कमेंटर हैं, ये देखिए मैं उनका कमेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं ये ऐसा एक अक्षर होता है, अक्षर इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह दो अक्षरों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग दे बोलते हैं, उसके ऊपर में मैं एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें ये बता दूं कि इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं यूं, ठीक है, इस शब्द को जो हम लिखते हैं सीधा करके यूं जो लिख रहे हैं, इसको अगर एक्चुअली हम बारीकी से देखेंगे तो ये एक्चुअली ये है, ठीक है, मतलब ये दे और इसमें ये मिला हुआ, ठीक है, जितना मुझे जानकारी है मैं उससे बता रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन को एक्चुअली लिखने में कठिनाई होती है, उसकी वजह से हम लोग इसको यूं लिख देते हैं जो कि बहुत ही सीधा पड़ता है। ठीक है, तो ये आप जान के रखें, इसको याद रखिए, ये जो दो इसके जो क्लोज अक्षर होते हैं उनसे ये भिन्न है। जैसे एक होता है ध, उसको हम लोग यूं लिखते हैं, दूसरा होता है घ, उसको हम लोग यूं लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों से ही ये भिन्न है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम तोड़ के बताते हैं। इसको अगर हम विच्छेद करें तो इसमें ये आधा द है और इसमें यह है आधा यह और अ, ये इस का पूरा ही विच्छेद है, ठीक है, टूटा हुआ रूप है, अलग अलग, जिसको हम लोग अगर उच्चारण कहें तो इसको कहते हैं दिय दिय, द आधा ये दिय, ठीक है। तो इसको हम यूं लिखते हैं और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें गद्य, तो हम गद्य को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी हम कहते हैं, हम इसको क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको लिखने में कम मेहनत है ना भाई, इसको लिखने में हमको दो अक्षर लिखना पड़ेगा, इसको मेरा एक ही में हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं यह इसका शॉर्टकट फॉर्म है। अब इससे संबंधित कुछ ऐसे शब्दों का उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर जो कि हिंदी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रयोग में लाए जाते हैं। हम वो सारे उदाहरण दे दें शब्दों के, ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके मैं वो आपको दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहला मैं वर्ड लिखूँ विद्या, याद रखिए इसको विद्या निदय का मिला करके इसका उच्चारण होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक उदाहरण दूं, यद्यपि यद्यपि यद्यपि, इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। और मैं कुछ शब्दों का उदाहरण बताऊं जिससे आपको थोड़ा सा और इसके बारे में क्लैरिटी हो जाए, एकदम इसमें आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे और भी एक साधारण शब्द है पद्य, याद रखिए इसमें ये डंडा देना ना भूलिएगा, ठीक है ना, नहीं तो वो धय या घय हो जाएगा। उसके बाद और एक उदाहरण दूं, उद्यम खाद्य यद्यपि प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा सा लंबा शब्द है, प्रौद्योगिकी विद्यार्थी, इससे हम लोग बहुत परिचित हैं। अब हम लोग तो विद्यार्थी कहना इंग्लिश मीडियम में भूल ही गए हैं, अब हम लोग इसको स्टूडेंट बना दिए हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट। अच्छा, और विद्यालय, ठीक है विद्यालय। और एक दूसरा शब्द बता दूं, विद्युत, याद रखिए इसको विद्युत मत पढ़िएगा, विद्युत, ठीक है, क्योंकि इसका टूटा हुआ रूप
यूं है, विद्युत। उम्मीद करते हैं कि अब जब मैं ये तोड़ के लिखने के लिए बता दिया हूँ पहले, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे खाद्य, तो खाद्य को भी ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम बताएं आपको ऐसे खाद्य, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से आपको लाभ होगा। और ये जो शब्द का अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में जो डाउट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, इसके बाद मैं एक इमला का वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर और गुड आइवनिंग।